हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं शुरू कर रहा हूँ मॉक टेस्ट सीरीज़ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। और ये सीरीज़ सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और दूसरे से भी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैं फोकस करूँगा टीयर वन एग्ज़ाम पर, क्योंकि सबसे पहले आपका टीयर वन एग्ज़ाम होगा सीजीएल 2018 का दिसंबर या जनवरी में। और जिस तरीके से 25 क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन में आपको 36 सेकेंड का टाइम देना है, ये मैक्सिमम टाइम है। वैसे तो आपको 8 या 10 सेकेंड में आप मैक्सिमम किसी भी इंग्लिश के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यदि आपका आंसर सही निकलता है तो 2 नंबर देने हैं, अदरवाइज 0.5 की माइनस मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से अब अपनी प्रिपरेशन को आप इवेल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस टेस्ट सीरीज़ ऑफ़र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अड्डा 247 की तरफ से ये टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। ये कंटेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत इनको आप ले सकते हैं। और इन दोनों ही टेस्ट सीरीज़ में यदि आप इंग्लिश एडवांटेज चैनल से आप लेते हैं, इन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं, तो इनमें ना केवल आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो जो ऑफर प्राइस है उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि आपको 6 ई-बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएंगी। ये वोकेबलरी की ई बुक्स हैं, इसमें 2500 वर्ड्स की जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, और ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो एक ही आप ये वाला पैक ले सकते हैं जिसमें 43 जो सेट हैं टीयर वन के, ठीक है, उनका सब वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में है। 2017 के जो 43 सेट हैं टीयर वन के, वो सारे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलेंगे। हाईली हाईली ये यूजफुल रहेगी किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के लिए। और एक आप ये ले सकते हैं जिसमें 100 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें से 50 प्रैक्टिस सेट हैं, 30 प्रीवियस ईयर पेपर हैं और 20 फुल लेंथ मॉक हैं आंसर्स के साथ और वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। तो इन इन दोनों के ही लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और पे नाउ के बटन पर क्लिक करके यहां से आप पे करके इन टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। और इसके साथ 6 ऑसम ई-बुक्स आपको आपके मेल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मॉक टेस्ट को। आप तैयार हो जाएं, एक कॉपी और एक पेन आप लें और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। 8 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यदि आपका आंसर सही निकलता है तो 2 नंबर, अदरवाइज पी माइनस मार्किंग आपको करना है। तो यहां से पढ़ते हैं, टाइम परसेप्शन रेजेस अ नंबर ऑफ पजल्स इंक्लूडिंग व्हाट इट मींस टू से वी परसीव। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है, जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम परसेप्शन है, उसकी यदि आप स्टडी करें तो इट रेजेज अ नंबर ऑफ पजल्स, ठीक है। हमारे दिमाग में काफी सारे पजल्स क्रिएट होते हैं, और वो पजल्स कैसे होते हैं? वो पजल्स होते हैं इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग मतलब जो स्टिमुलेट करते हैं हमारे माइंड को और एक इंटरेस्ट अराउज करते हैं, ठीक है। तो इंट्रीगिंग यहां पर आपका सही वर्ड होगा। डिस्क्रिमिनेटिंग का अर्थ होता है भेदभाव करना, और बिफूलिंग का अर्थ होता है बेवकूफ बनाना किसी व्यक्ति को। तो इंट्रीगिंग विल बी द राइट आंसर हियर। ये सेकंड फिलर है, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिकॉग्नाइज क्लियरली दैट द ओनली वे टू फर्दर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड वॉज टू एक्सपेरिमेंट। मतलब गैलीलियो गैलीलियो जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि यदि हम अपनी स्टडी को फर्दर करना चाहते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, तो उसका एकमात्र तरीका है कि हम एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करें, ठीक है। तो यहां पर क्या वर्ड आ सकता है? सस्पेक्ट, रिजॉर्ट, रिसोर्सेस और एनिहिलेट, ये 4 वर्ड दिए हैं। इसका आंसर आप लगाएं। सस्पेक्ट का अर्थ होता है किसी चीज पर डाउट करना, रिजॉर्ट उस चीज को अपनाना, रिसोर्सेस मतलब संसाधन, और एनिहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो 2 के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा? 2 के साथ रिजॉर्ट वर्ड जुड़ेगा। इसके अलावा रिजॉर्ट का अर्थ होता है अपनाना किसी चीज को, ठीक है। तो रिजॉर्ट विल बी द राइट आंसर हियर। रिजॉर्ट का मतलब अपनाना होता है। यदि हम एक्सपेरिमेंट को अपनाते हैं, एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करते हैं, तो हम अपनी स्टडी को, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिकल वर्ल्ड की, उसको और ज्यादा फर्दर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह है क्वेश्चन थर्ड। ये एंटोनिम का क्वेश्चन है, फियंडिश, और फियंडिश का एंटोनिम आपको बताना है। फियंडिश का क्या मतलब है? आप देखें चारों चारों ऑप्शन और इसका आंसर लगाएं। डायबॉलिकल दिया है, अरबेन दिया है, जर्मेन दिया है, फ्रेंडली दिया है। फियंडिश का अर्थ होता है डायबॉलिकल या दुश्मन जैसा या क्रूअल, ठीक है। तो फ्रेंडली जो होगा ये इसका एंटोनिम होगा,
और अर्बेन होता है काइंड या कल्चर्ड, जर्मेन होता है रेलिवेंट, डायबॉलिकल मतलब बड़ा या राक्षस जैसा। तो फ्रेंडली यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डी। यहाँ पर इसका फियंडिश का जो एंटोनिम होगा वो यहाँ पर फ्रेंडली होगा, फियंडिश का एंटोनिम। तो फियंडिस मीन्स क्रूएल एंड अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली क्लेवर एंड कॉम्प्लिकेटेड। फ्रेंडली मीन्स बिहेविंग इन ए काइंड एंड प्लीजेंट वे, शोइंग काइंडनेस। ठीक है, तो ये इस वर्ड का मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। इसका फियंडिश का जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्रेंडली। सब्सिक्वेंट इसका क्या होगा, इवेंचुअल, सक्सीडिंग, प्रायर और कंपैरेटिव। इवेंचुअल का क्या अर्थ है, इवेंचुअल का मतलब जो आखिरी में आएगा, समथिंग दैट इज फाइनल। सक्सीडिंग प्रायर, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला और प्रायर का मतलब होता है पहले आने वाला। ठीक है, तो सी यहां पर आपका इसका सही आंसर होगा। यहां पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं सब्सिक्वेंट का, हैपनिंग और कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स, और प्रायर का मतलब होता है हैपनिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर समथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्रिसेंडो इसका क्या मतलब है और इसका सिनोनिम बताना है आपको, डोमिनेट, स्क्वेंडर, डिप्लीशन और एस्केलेशन। एस्केलेशन का अर्थ होता है ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ना, इंक्रीज होना, डिप्लीशन का मतलब कम होना, स्क्वेंडर का अर्थ होता है वेस्ट होना, डोमिनेट का अर्थ होता है किसी पर अपना प्रभुत्व जमाना, तो क्रिसेंडो का अर्थ होता है इंक्रीज करना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एस्केलेशन। स्क्वेंडर जो वर्ड है उसका मतलब होता है वेस्ट करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैंने बताए हैं, जैसे नेफेरियस, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है नेफेरियस, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। विकेड और क्रिमिनल इसका मतलब होता है। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा राइटियस, नेफेरियस। और स्लैप डैश, स्लैप डैश का मतलब होता है जिस काम को बहुत जल्दबाजी में किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्लैप डैश। ईसोटेरिक इसका क्या मतलब है, सिनोनिम ईसोटेरिक, ईसोटेरिक इसका आप लगाएं सिनोनिम, बिफिटिंग, रेलिवेंट, एब्स्ट्रूज और जर्बेन। ईसोटेरिक का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है या कंफ्यूजिंग है या कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए सही वर्ड होगा एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। या ईसोटेरिक को आप याद रख सकते हैं कि सो डिफिकल्ट, ईसोटेरिक मतलब सो डिफिकल्ट। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सी। बिफिटिंग का मतलब होता है अप्रोप्रिएट और सही, रेलिवेंट और जर्मेन ये एक ही वर्ड है। ठीक है, और एब्स्ट्रूस जो होगा उसका होगा ईसोटेरिक, ये यहां पर इसका सही आंसर होगा। कुछ वर्ड और देख लेते हैं, रिक्यूपिरेट ये वर्ड भी काफी बार पूछा गया है, जिसका अर्थ होता है रिकवर करना इलनेस से। रिलैप्स का अर्थ होता है डेटियोरेट हो जाना, किसी चीज का कम हो जाना, बद से बदतर हो जाना, कोई बीमारी जैसे होती है वो रिलैप्स हो जाती है। जर्मेन का अर्थ होता है रिलीवेंट, अर्बेन का अर्थ होता है कल्चर्ड। तो ये चारों वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके थ्रू भी आप इन वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, आ प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। एक हॉस्पिटल टाइप का एक स्थान होता है या इंस्टीट्यूशंस में एक जगह होती है जहाँ पर जो है उनको उनको ट्रीट किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फर्मेरी। इन्फर्म का अर्थ होता है कमजोर, तो जो लोग कमजोर हो चुके हैं बीमारी की वजह से वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, इन्फर्मेरी इसका सही आंसर होगा। मिंट, यहाँ पर सिक्के और कॉइन को ढाला जाता है उसको बोलते हैं मिंट। हच, एक छोटा सा बॉक्स होता है छोटे एनिमल्स को रखने के लिए। और लायर, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो इन्फर्मेरी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नंस लिविंग टुगेदर अंडर मोनास्टिक वाउस। मोनास्टिक मीन्स बेसिक या सिंपल। तो क्रिश्चियन की जो कम्युनिटी होती है जिसमें नंस रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेंट। ठीक है, ड्रे और ड्रे गैंड्री जहाँ पर अनाज रखते हैं, और डी आर ए बाय ड्रे और डी आर ई बाय ड्रे इनका क्या मतलब है ये हम यहाँ पर देखते हैं। ड्रे का अर्थ होता है ए ट्रक और कार्ट विदाउट साइड्स। ड्रे का अर्थ होता है एक ऐसा ट्रक जिसके दोनों तरफ साइड्स नहीं हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रे, डी आर ए बाय ड्रे। ठीक है, और डी आर ई बाय ड्रे होता है द नेस्ट ऑफ ए स्क्वेरल,
गिलहरी का जो नेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी फॉर्म्स, यहां पर आपको स्पॉटिंग एरर बताना है किस पार्ट में एरर है, और चलिए इसको पढ़ते हैं। मैनी फॉर्म्स फेल, मैनी फॉर्म्स फेल तो सही है, यहां पर ऐसे नहीं लगेगा, बिकॉज व्हेन दे बिगिन, ये भी सही है। व्हेन दे बिगिन व्हाट, व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट, यहां पर देखिए हैव नॉट के साथ यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक हैव नॉट के साथ यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पर यही इसका आंसर होगा। मैनी फॉर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैवंट रिसर्च, सी इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम देन इट विल बी, ये फिल इन द ब्लैंक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको कैलकुलेटर का यूज करते हुए पकड़ लिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो इट विल बी मतलब जो कैलकुलेटर होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, नॉर्मली उसको जब्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सीज का इक्विवेलेंट आपको वर्ड चाहिए, और सीज का इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो है कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड, तो बी यहां पर इसका सही आंसर आपका होगा। कॉन्टेम्पलेट का अर्थ होता है सोच विचार करना। इट विल बी कॉन्फिस्केटेड, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तो इसलिए कॉन्फिस्केटेड यहां पर सही है। यदि टेकन होता तो फिर अंडर पजेशन आ सकता था, इट विल बी टेकन अंडर पजेशन, लेकिन वो गलत होगा, सही आंसर होगा कॉन्फिस्केटेड। टेक और सीज समवंस प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी, जब आप अथॉरिटी के साथ किसी व्यक्ति की कोई चीज को ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीज या कॉन्फिस्केट। इसको इसके लिए एक वर्ड और आता है इम्पाउंड या एप्रोप्रिएट या एक्सप्रोप्रिएट, इम्पाउंड एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें आपको बताना है, और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए सुपर एनुएशन में डबल एन आता है, ये गलत हो गया। कैलाइडोस्कोप, कैलाइडोस्कोप में के ए एल ई आता है, के ए एल ई आई होता है, ई पहले आएगा इसमें, ये गलत हो गया। वेरीगेटेड, वेरीगेटेड में भी आई पहले आता है, आर ई सी ई डबल एस आई ओ एन, रिसेशन की स्पेलिंग सही है इसमें, सी इसमें सही आंसर होगा। अब आपको इसमें आंसर बताना है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंजेनाइटल और कन्वीनियंस कन्वलेस लोफ्टी। कंजेनाइटल में जी ई आता है यहां पर, तो ये गलत हो गया। कन्वीनियंस में ई आता है यहां पर, ये गलत हो गया। कॉन्वलेस सही है, लोफ्टी में ए नहीं आता, ये गलत हो गया, इसका आंसर होगा सी। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसको आप देखें, इसमें आप लगाएं, नॉनशेलेंट में सी आता है, इसका मतलब होता है शांत। अल्टीरियर में ओ आता है, गलत हो गया। लेबरिंथ की स्पेलिंग सही है, लेबरिंथ जो भूल भुलैया होता है, एक एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बार घुसने के बाद उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम बोलते हैं लेबरिंथ। साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, इसमें एच नहीं आएगा, गलत है ये, इसमें आपका सही आंसर होगा लेबरिंथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। द एंट्री ऑफ द फॉरेन मीडिया हैज टू गवर्न बाय स्ट्रिक्ट रूल्स, तो इसको देखिए यहां पर बाय एलिमेंट लगा हुआ है, तो बाय के थ्रू हम क्या बताते हैं, बाय किसमें यूज होता है, एक्ट पैसिव वॉइस में यूज होता है, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म भी लगी है, थर्ड फॉर्म भी पैसिव वॉइस में यूज होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम हैज टू बी का यूज करते हैं, हैज टू बी, शुड बी, मस्ट बी, वुड बी, ठीक है। तो इसलिए हैज टू के स्थान पर यहां पर हैज टू बी का प्रयोग होगा, यानी बी इसमें आपका सही आंसर होगा। बी इसमें दिया है सी में, हैज टू बी होगा, तो यहां पर इसका आंसर होगा सी। ये पैराजंबल के सिंपल क्वेश्चन हैं, और इसको आप पढ़ें और इसका आंसर निकालें। 36 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइम। अ सर्टिफाइबल, ए सर्टिफाइड वेरीफाइबल क्या आएगा इसके साथ, देखिए सर्टिफाइड और वेरीफाइबल ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो इसके साथ यहां पर आपको एक नाउन चाहिए, और नाउन है इसमें
आइडेंटिटी कार्ड, तो इसमें क्यों पहले जुड़ेगा? अ सर्टिफाइड वेरीफाइबल ऑल पर्पज आइडेंटिटी कार्ड, इसके बाद जोड़ सकते हैं आप ये, वुड बी अ वैल्यूबल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ वैल्यूबल वर्ड जुड़ सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट नाउन है और वैल्यूबल एडजेक्टिव है, ठीक है, वुड बी अ वैल्यूबल डॉक्यूमेंट फॉर मैनी पीपल। तो अ सर्टिफाइड वेरीफाइबल ऑल पर्पज आइडेंटिटी कार्ड, क्यू पी आर इसका सही आंसर होगा, क्यू पी आर। इस सेंटेंस को करें, एज फॉर द टास्क थ्री इंपॉर्टेंट वंस अहेड थ्री अपीयर टू बी एट लीस्ट, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा, एज फॉर द टास्क के साथ हम नॉर्मली अहेड वर्ड लगाते हैं, जहां तक कि आगे किए जाने वाले काम की बात है, ये इसका मतलब है, एज फॉर द टास्क अहेड, ठीक है, थ्री अपीयर, अपीयर के बाद आप टू भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, थ्री अपीयर टू बी एटलीस्ट थ्री इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, क्यू आर पी इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर, द एयरप्लेन टुक ऑफ एज सून एज आई अराइव एट द एयरपोर्ट, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा प्लेन ने क्या किया, टेक ऑफ किया, टुक ऑफ किया, तो यहां पर टुक के साथ यहां पर ऑफ नहीं आएगा, ओ डबल एफ ऑफ आएगा, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, तो यहां पर आपका बी आपका सही आंसर इसमें होगा। आगे चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, अ हस्बैंड्स और वाइफ्स प्रोविजन फॉर ए स्पाउस आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स, एक हस्बैंड और वाइफ का जब डिवोर्स हो जाता है तो जो मेंटेनेंस दिया जाता है हस्बैंड हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से, ठीक है, हर्जाना पूर्ति या खर्चा जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एलिमनी, एलिमनी सही आंसर होगा। एलिगरी एक पोयम होती है, एक पोयम नहीं, एक एक फेबल टाइप का होता है, एक मेटाफोर होता है, ठीक है, एलिगरी। एग्रेसर जो थोड़ा सा तेज तर्रार है, और एग्नोस्टिसिज्म जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट है उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक या एग्नोस्टिसिज्म। अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के मत को मानने से मना कर देता है या बहुत हटी टाइप का एक वैसा व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, तो इसको हम बोलते हैं बेलिकोस का मतलब होता है जो लड़ने का शौकीन है, बेलिजरेंट मतलब जो जो लड़ाई में इन्वॉल्व है, बेनिफैक्टर जो दूसरों का भला करता है, बिगट इसको हम बोलेंगे, बिगट। डी, ईच ऑफ द 12 चीफ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल में से एक, ईच ऑफ द 12 चीफ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जो 12 मेन डिसाइपल्स थे, जो चेले थे, उनको हम क्या बोलते हैं? देखिए, एपोस्टेट का अर्थ होता है एप्सकॉन्डर, जो फरार है, एपोसल इसका आंसर होगा, हेरेटिक जो रिलीजन के अगेंस्ट काम करता है, और बोहेमियन जो अनऑर्थोडॉक्स है, जो पारंपरिक नहीं है, सी इसका सही आंसर होगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इसको करना है आपको, ब्रैकेटेड जो पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है, इट इज ए प्लेजेंट डे वी वेंट फॉर ए वॉक, यहां पर हम बोलना चाहते हैं कि हम वॉक करने के लिए गए क्योंकि ये एक अच्छा सुहावना दिन था, सिंस इट वॉज अ प्लेजेंट डे वी वेंट फॉर ए वॉक, चूंकि ये एक सुहावना दिन था हम घूमने के लिए गए, तो सिंस इट वॉज ए प्लेजेंट डे को आप बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट तरीके से, यदि आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं इट बीइंग ए प्लेजेंट डे वी वेंट फॉर ए वॉक, बीइंग जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इट जिसमें नाउन है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है बीइंग, और इट जो है ये नाउन है, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एवरी डे वी हैव यूजुअली डिनर एट 8 o'clock, तो यूजुअली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है और ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, यहां पर एवरी डे वी यूजुअली हैव, ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. आ टीम इज ऑन द कस्प ऑफ मेकिंग अ डिस्कवरी दैट कुड चेंज द फेस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. ऑन द कस्प ऑफ का मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, किसी चीज की दहलीज पर, मतलब ऐसा होने ही वाला है. आ टीम इज ऑन द ब्रिंक ऑफ मेकिंग अ डिस्कवरी दैट कुड चेंज द फेस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. तो ऑन द कस्प ऑफ जो वर्ड है, ये फ्रेज है, ये सही है. यहां पर आंसर होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. आई एम अ मॉर्निंग पर्सन सो आई कुड नेवर वर्क द ग्रेवयार्ड शिफ्ट लाइक यू डू. ग्रेवयार्ड शिफ्ट का क्या मतलब है? ग्रेवयार्ड शिफ्ट जो होती है वो होती है लेट नाइट, 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद जो शिफ्ट शुरू होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं, उस समय पर जागना, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट. तो इसका आंसर होगा लेट नाइट शिफ्ट, डी इसका सही आंसर होगा. 25 देखते हैं. एक्सट्रीम एंग्जाइटी सॉरो और पेन, बहुत ज़्यादा दुख दर्द चिंता, उसको हम क्या बोलते हैं? और उसको हम बोलते हैं वेक्सेशन और शैग्रिन. ये तो एक्चुअली इरिटेशन को हम बोलते हैं. तो डिस्ट्रेस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा. तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में, इस मॉक टेस्ट में मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. आपके कितने मार्क्स आए इसमें, 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. और टेस्ट सीरीज़ जो मैंने सजेस्ट की हैं उनको आप ज़रूर लें, उन पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और 6 औसम ई बुक्स भी मिलेंगी. और उसको आप ऐप पर भी चला सकते हैं, Adda247 के ऐप पर, मोबाइल पर भी चला सकते हैं और वेबसाइट पर भी उसको आप चला सकते हैं. तो उसको ज़रूर लें और इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे. थैंक यू.